नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। फ्रेंड्स, सीआरपीसी के ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले की वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सीआरपीसी की उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे की धाराओं की, धारा 60 से 90 के बीच के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाजिर होने को विवश करने किए जाने की आदेशिकाओं को बताया गया है अध्याय 6 में। हाजिर होने को विवश किए जाने की आदेशिकाओं को बताया गया है अध्याय 6 में। फर्स्ट का आंसर है सी, हाजिर होने को विवश किए जाने की आदेशिकाओं को अध्याय 6 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता का सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 6। दंड प्रक्रिया संहिता का सबसे बड़ा चैप्टर है अध्याय 6, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाजिर होने को विवश करने की आदेशिका समन और वारंट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से हाजिर होने को विवश करने की आदेशिका इनमें से कौन सी है, तो समन भी है और वारंट भी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, समन की कितनी प्रतियां जारी होती हैं, समन की कितनी प्रतियां जारी होती हैं, तो दो, समन की दो कॉपियां जारी होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन, समन दो प्रतियों में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, ऑप्शन होगा डी, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, समन की तालीम कैसी होगी, समन की तालीम कैसी होगी, तो ये पुलिस अधिकारी द्वारा होगी, राज्य सरकार द्वारा नियमों समन जारी करने वाले न्यायालयों के किसी अधिकारी द्वारा होगी, या अन्य लोक सेवक के द्वारा होगी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, समन की तालीम उपरोक्त सभी द्वारा हो सकती है, ठीक है, ऑप्शन डी। सेवन क्वेश्चन है, निगमित निकाय या सोसाइटी पर समन की तालीम होगी, तीनों में से कोई प्रकार से, जो निगमित निकाय हैं और सोसाइटी पर समन की तालीम होगी, वो निगम के सचिव पर तामील करके, निगम के स्थानीय प्रबंधक पर, अन्य प्रधान अधिकारी पर तालीम करके, या फिर तीनों में से किसी भी प्रकार के, ठीक है, तो आंसर होगा डी, तीनों में से कोई प्रकार से, सेवन का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट क्वेश्चन, जब समन किए गए व्यक्ति ना मिले, जब समन किया गया व्यक्ति ना मिले, तब तामील होगी, तब होगी परिवार के वरिष्ठ पुरुष सदस्य पर, परिवार के वरिष्ठ पुरुष सदस्य पर, ऑप्शन बी। नाइन क्वेश्चन है, सरकारी सेवक पर तामील किस तरह होगी, सरकारी सेवक पर तामील किस तरह होगी, तो समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जाएगा जहां व्यक्ति सेवक है, समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जाएगा जहां व्यक्ति सेवक है, ऑप्शन ए, नाइन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ क्वेश्चन, जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो, तब तामील का सबूत होगा, क्या सबूत होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तत्पर तदर्पित यह शपथ पत्र की ऐसे समन की तालीम हो गई है, और बी, समन की दूसरी प्रति जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, टेंथ का आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों, जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो, तब तामील का सबूत होगा, ये दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन, किसी साक्षी पर डाक द्वारा समन की तालीम निम्न स्थान पर हो सकती है, किस स्थान पर, जहाँ पर मामूली तौर पर निवास करता हो, जहाँ कार्य करता हो, जहाँ पर लाभ के प्रयोजन से कार्य करता हो, आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों, 11वें का आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, वारंट की अवधि है, वारंट की अवधि क्या है, ए, जब तक निष्पादन ना हो, बी, जब तक रद्द ना किया गया हो, आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों, वारंट की अवधि होती है सी, उपरोक्त दोनों, जब तक निष्पादित ना हो और जब तक रद्द ना किया जाए, ठीक है, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, वैध वारंट की क्या आवश्यकताएं नहीं है, पूछना नहीं है, वैध वारंट की इनमें से क्या आवश्यकता नहीं है, तो लिखित होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी द्वारा मुद्रांकित होना चाहिए, या फिर सी, दो प्रतियों में होना चाहिए,
वैध वारंट की आवश्यकताएं नहीं है तो सी दो प्रतियों में होना चाहिए। 14 क्वेश्चन है, वारंट के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार के वारंट होते हैं, तो डी ऑप्शन होगा, जमानती है और अजमानती है। याद रखना वारंट जमानती है और अजमानती है दो प्रकार का होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। 15 क्वेश्चन है, जब वारंट अधिकारिता के बाहर जाए, जब वारंट अधिकारिता के बाहर जाए तब किस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, जब वारंट अधिकारिता के बाहर जाए तब वह किस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, डी ऑप्शन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन, जिस व्यक्ति के लिए वारंट है उस व्यक्ति की अधिकारिता से बाहर गिरफ्तार होने की प्रक्रिया होगी, क्या होगी, जब प्रतिभूति ले ली गई हो तब छोड़ा जाएगा, बी जब वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है तब वहां से ले जाएगा, आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही हैं, जिस व्यक्ति के लिए वारंट है उस व्यक्ति के अधिकारिता से बाहर गिरफ्तार होने की प्रक्रिया ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 क्वेश्चन, फरार के लिए उद्घोषणा वर्णित है, फरार के लिए उद्घोषणा किसमें वर्णित है, धारा 82 में, धारा 82 में फरार की उद्घोषणा है, धारा 82। 18 क्वेश्चन है, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा में हाजिर होने के लिए समय दिया जाता है, ये आंसर होगा धारा में समय का, सॉरी इसमें बताती हूँ, 18 का आंसर होगा धारा 82 में वर्णित, एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें सी लिखा हुआ है, इसमें डी है, आंसर होगा सी, उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन, डी ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है, इसका सी ऑप्शन होगा, याद रखना फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा में हाजिर होने के लिए समय दिया जाता है उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, धारा 82 में वर्णित है, 82 में क्या है, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा इंपॉर्टेंट है, उद्घोषणा है 82 में। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, कुर्की के लिए उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का यह समाधान होना जरूरी है जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है, ए अपनी समस्त संपत्ति का व्ययन करने वाला, बी अपनी समस्त संपत्ति को न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला, आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, बी इसका आंसर है सी। 21 क्वेश्चन है, जब संपत्ति जिसे कुर्क दिए जाने का आदेश दिया गया है, जीवधन है तब न्यायालय तुरंत विक्रय के आदेश दे सकता है तथा विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे, ए ऑप्शन राइट है। 22 क्वेश्चन है, कुर्की के बारे में दावे एवं आपत्तियां उस व्यक्ति के द्वारा जो उद्घोषित व्यक्ति से अलग है की जा सकती है 30 दिन के अंदर, 22 का आंसर ए लिखा हुआ तो ए आंसर है 6 मास के अंदर, ऑप्शन ए। कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां उस व्यक्ति के द्वारा जो उद्घोषित व्यक्ति से अलग है की जा सकती है, ऑप्शन ए 6 मास के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन, व्यक्ति जिसके लिए कोई उद्घोषणा की गई थी जब उद्घोषित समय में हाजिर हो जाए तब न्यायालय संपत्ति निर्मुक्त करने का आदेश देगा, व्यक्ति जिसके लिए कोई उद्घोषणा की गई थी जब उद्घोषित समय में हाजिर हो जाए तब न्यायालय संपत्ति निर्मुक्त करने का आदेश दे देगा, ऑप्शन ए 23 आंसर ए। 24 क्वेश्चन देखते हैं, समन के स्थान पर अथवा उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना वर्णित है, धारा 87 में, समन के स्थान पर अथवा उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना वर्णित है, धारा 87 में। 25वां क्वेश्चन है, सूची मिलानी है आपको कि क्या चीज़ किस धारा में है, तो हाजिरी का बनपत्र भंग करने की गिरफ्तारी ये है धारा 89 में,
कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील, यह धारा 86 में, और कुर्की के बारे में दावे और आपत्ति 84। ठीक है, ए बी सी, ऑप्शन ए इसका सही है। ए का होगा 1, बी का 2 और सी का 3। एक बार मैच कर लीजिए आप, ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो रही है फरार घोषित किया जा सकता है? धारा 83। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो रही है फरार घोषित किया जा सकता है? धारा 83, ऑप्शन बी। 27 क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है? धारा 83। सीआरपीसी की किस धारा में जो फरार व्यक्ति है उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश और उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है? तो धारा 83। 28 क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? 82 धारा। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? धारा 82, ऑप्शन बी। 29 क्वेश्चन है, गलत उत्तर बताना है आपको, इसमें से कौन सा गलत है। एक विधिमान्य वारंट निम्नलिखित आवश्यक तत्व है, एक विधिमान्य वारंट निम्नलिखित आवश्यक तत्व है। पहला है, इसे लिखित होना चाहिए। दूसरा है, इसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए। और डी, इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। तो इसमें से क्या गलत है, वो है डी, जिसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन, समन की तालीम किस प्रकार की जाती है? तो समन की तालीम की जाएगी उपरोक्त में से किसी भी द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा। समन की तालीम उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा की जा सकती है। 30 का आंसर होगा डी। 31 क्वेश्चन है, दांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट प्रवर्त रहता है 20 वर्ष के लिए। दांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट प्रवर्त रहता है, तो सॉरी, इसका आंसर डी होगा, जब तक वह रद्द ना किया जाए। दांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट तब तक रहेगा प्रवर्त जब तक कि वह रद्द नहीं किया जाए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 31 का आंसर है डी। 32 क्वेश्चन है, किसी दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकारी से बाहर आह्वान पत्र का निर्वाह करना है, सामान्यतः उस स्थान के दंडाधिकारी के आह्वान पत्र पर निर्वाहन के लिए भेजेगा। 32 आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी समन की तालीम उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो, तब वह साधारणतः ऐसे समन की दो प्रतियां भेजेगा। ऑप्शन ए, समक्ष सक्षम अधिकारियों अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को, सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को। 33 आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जा सकता है, गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जा सकता है, ये भारत के किसी भी स्थान में। ऑप्शन डी, भारत के किसी भी स्थान में। फ्रेंड्स, सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना आप। थैंक यू।